नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जो भारत में लोन होते हैं वो कितने प्रकार के लोन होते हैं तथा इनके अंतर्गत क्या प्रक्रिया होती है तथा क्या ब्याज दरें होती हैं, इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप जानते हो कि आपके लाइफ में कई इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं जिसके लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। इतना धन आपके पास उपलब्ध नहीं होता है, तो जब कोई आवश्यक कार्य आपको संपादित करना होता और आपको धन उपलब्ध नहीं होता है तो आप बैंक के माध्यम से धन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको ब्याज चुकाना होगा। इस प्रकार जो बैंक होते हैं वो कई प्रकार के ऋण या लोन प्रदान करते हैं। आइए हम इसमें चर्चा करते हैं कि कितने प्रकार के लोन होते हैं तथा उनकी प्रक्रिया क्या है तथा उस पर ब्याज क्या है। आज हम अगर भारतीयों की बात करते हैं तो भारतीय बैंकों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न लोनों के विषय हम लोग इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। इंसान को लोन की जरूरत तब पड़ती है जब उसकी आवश्यकताएं स्वयं के द्वारा कमाए हुए पैसे से पूरी नहीं हो पाती है तो वो बैंक के शरण में जाता है या अन्य इंस्टीट्यूट के शरण में जाता है जहां से वो ऋण में रुपीज लेता है। तो विभिन्न बैंक जैसे SBI, आपके PNB, HDFC बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ETC, बहुत से आपके पास कमर्शियल बैंक होते हैं, आपके पास इंडस्ट्रियल बैंक होते हैं जिनसे आप लोन ले सकते हैं। आपको अपने जरूरत के हिसाब से लोन मुहैया वो कराती है और उसी के अनुसार वो लोग ब्याज की दर भी लगाते हैं। तो आइए हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि ये लोन कौन कौन से होते हैं तथा उस पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत में जो लोन होते हैं, ऋण होते हैं, वो बेसिकली तीन प्रकार के ऋण पॉपुलर हैं होते हैं। पहला आपका है अल्पकालिक लोन, जिसे हम लोग शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। इसके अंतर्गत आप जो लोन लेंगे उस पैसे को कम से कम एक वर्ष में आपके द्वारा चुका देना होता है। इस प्रकार के लोन को शॉर्ट रन लोन कहा जाता है। दूसरा आपका लोन जो होता है वो मध्यकालीन लोन कहलाता है, मीडियम टर्म लोन के नाम से जाना जाता है, और इसके अंतर्गत 1 से 3 साल के बीच हम लोग लोन को वापस कर देते हैं, ठीक है। और तीसरा आपका जो लोन होता है वो दीर्घकालीन लोन के नाम से जाना जाता है और इसमें पैसे लौटाने की अवधि 3 साल के ऊपर होती है, अर्थात 3 साल के बाद जब आप लोन चुकाते हैं तो वो आपका दीर्घकालीन लोन कहलाता है। तो इस प्रकार हमने 3 प्रकार के लोन डिस्कस किए। अब सबसे पहले बात करते हैं, पहले नंबर पर पर्सनल लोन की बात करते हैं। आप देखे होंगे इसको व्यक्तिगत ऋण के नाम से भी जाना जाता है पर्सनल लोन, या इसे हम लोग गैर जमानती ऋण या लोन भी कहते हैं, अर्थात जब हमको स्वयं के लिए ऋण लेना होता है तो उस लोन को पर्सनल लोन कहा जाता है। वैसे तो सारे लोन स्वयं के लिए लिए जाते हैं लेकिन पर्सनल लोन का अर्थ हुआ निजी कार्यों के लिए लिया जाने वाला ऋण, जैसे बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, दवा चिकित्सा के लिए लिया जाने वाला ऋण, किसी को महंगी गिफ्ट देना है या घर का कोई सामान लेना है तो उसके लिए लिया जाने वाला ऋण पर्सनल लोन के अंतर्गत आता है, ठीक है। पर्सनल लोन के लिए हर बैंक की अपनी अपनी ब्याज की दरें अलग अलग होती हैं। ये आवश्यक नहीं कि सारी बैंकों की ब्याज की दरें समान हो, ठीक है। जैसे अभी इस डेट में पर्सनल लोन के लिए SBI 17%, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं तो 9.60% पर SBI पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया भी इसी के आसपास है, कुछ अंतर पाया जा सकता है। तो पर्सनल लोन की ब्याज दरें अन्य लोन की तुलना में अधिक होती है, यह पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लोग पर्सनल लोन को बहुत इमरजेंसी में ही लेते हैं। वैसे बैंक आपको पर्सनल लोन देते समय ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते, बस आपकी वो सैलरी स्लिप मांगते हैं और लोन इशू कर देते हैं। पर्सनल लोन वो आपको शॉर्ट टर्म नेसेसरी के लिए, यानी कोई अल्पकालीन आवश्यकता उसकी पूर्ति के लिए लेना चाहिए, जिसे कोशिश करना चाहिए 4 वर्ष के अंदर ही लौटा दे। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरे लोन की बात करते हैं तो हम गोल्ड लोन पर चर्चा करते हैं, गोल्ड लोन पर बात करते हैं। गोल्ड लोन बैंक में गोल्ड रखने के बदले जो कैश मिलता है
उस लोन को हम लोग गोल्ड लोन कहते हैं। आपको गोल्ड बैंक के लॉकर में रखना होगा। आपके पास मान लीजिए कुछ गोल्ड है, उस गोल्ड को लीजिए, बैंक के पास जाइए, बैंक उस गोल्ड की क्वालिटी देखेगा, शुद्धता देखेगा और उसके 80% तक के बराबर आपको लोन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। बट इट विल बी डिपेंड अपॉन कि आपका 22 कैरेट का गोल्ड है कि 24 कैरेट का गोल्ड है कि 18 कैरेट का गोल्ड है, इस पर निर्भर करता है। और ये गोल्ड आपको बैंक के लॉकर में रखना होगा और इस प्रकार लोन आपको जमा किए गए गोल्ड की क्वालिटी और प्राइस पर मिलते हैं। व्यवहार में देखा जाता है कि जो गोल्ड की कीमत होती है उसके 80% तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। गोल्ड लोन प्रायः लोग इमरजेंसी नीड्स को पूरा करने के लिए लेते हैं। इस लोन पर लिया जाने वाला ब्याज दर पर्सनल लोन की तुलना में कम होता है, ठीक है। एसबीआई गोल्ड लोन जो 11.15% है, जो इस समय काफी कम है, 8.50 के आसपास भी देखा गया है, यह फ्लोट करता रहता है न्यूज़पेपर के माध्यम से, आप इसे देख सकते हो। नाउ थर्ड आपसे डिस्कस करने हम जा रहे हैं, तीसरा लोन है सिक्योरिटी के बदले मिलने वाला लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी पेपर सबसे पहले बात आती है, आप कहते हो कि सिक्योरिटी क्या होती है, तो हम आपको बता दें कि जैसे आपके पास मान लीजिए कोई डीमैट शेयर है तो यह सिक्योरिटी है, आपने म्यूचुअल फंड खरीद के रखा है यह सिक्योरिटी है, आपने कोई इंश्योरेंस स्कीम खरीदा है यह सिक्योरिटी है, आपने कोई बॉन्ड में पैसा इन्वेस्टमेंट किया यह सिक्योरिटी है। तो इन सिक्योरिटी पेपर को आप ले जाइए बैंक में, बैंक क्या करेगा उस सिक्योरिटी पेपर के आधार पर आपको लोन दे देगा। अगर आप लोन नहीं चुका पाते हो तो बैंक क्या करेगा, उन सिक्योरिटी पेपर को क्या करेगा, भुगतान के लिए आगे भेज देगा और उससे अपने लोन की रिकवरी कर लेगा, ओके। तो इस प्रकार बाजार में बेचने की क्षमता बैंक के पास आ जाती है, क्योंकि सिक्योरिटी पेपर आपका है उसको वो बेच देगी। और इसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं भी प्रदान करता है बैंक आपको। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अगर आपके अकाउंट में 0 रुपए हैं तो आपको ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत कहा गया कि 1,00,000 रुपए तक निकाल सकते हैं, तो ये परमिशन भी आपको दी जाती है। तो ये सिक्योरिटी के बदले मिलने वाला लोन होता है। तीसरा हम बात करते हैं प्रॉपर्टी लोन की। प्रॉपर्टी लोन के पास मतलब होता है कि आपके पास अपना मकान होता है, आपके अपने खेत होते हैं, आपके अपने बंगले होते हैं, ठीक है, इसके बदले भी आप लोन ले सकते हो। तो इसे प्रॉपर्टी लोन की संज्ञा दी जाती है। प्रॉपर्टी लोन वो लोन है जो बैंक आपकी प्रॉपर्टी के कागजात गिरवी रख करके देता है। ये अधिकतम 15 साल में चुकता किया जाता है सकता है और प्रायः लोन जो रकम होती है, जो कागजात होते हैं, जैसे आपका मकान है उसका आपका 1 करोड़ का मकान है तो उसमें 40,00,000 से 60,00,000 रुपए तक का लोन आप ले सकते हो। नाउ अगला पॉइंट आता है पांचवा लोन जो होता है वो आपका होता है होम लोन। इस समय बड़ा पॉपुलर लोन है और इसके अंतर्गत आयकर की गणना में छूट भी मिलती है इसकी किस्त के अंतर्गत और इसके ब्याज पर। तो होम लोन एक पॉपुलर लोन के रूप में जाना जाता है जब किसी व्यक्ति को घर बनाना होता है, ठीक है, तो घर खरीदने के लिए इस प्रकार का लोन लिया जाता है, ठीक है। और केवल आप घर बनाने के लिए नहीं ले सकते, घर बनाने की कीमत, मकान का रजिस्ट्रेशन करना, स्टाम्प ड्यूटी आदि व्यय को जोड़ करके आप बैंक से लोन ले सकते हैं और बैंक आपके खर्च की कुल राशि का 75 से 85%, या कभी मत समझिएगा कि 100% बैंक लोन दे देगा और पूरा का पूरा मकान आपको लोन पर हो सकता, नहीं, आपको 75 से 85% तक का आपको लोन प्रोवाइड कर दिया बैंक करेगी, बाकी की पैसे की व्यवस्था आपको स्वयं करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार डाउन पेमेंट नाम से जाना जाता है कि डाउन पेमेंट कुछ करना आपको पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको लोन होम लोन के अंतर्गत मिल जाएगा और इसमें एक अच्छा बेनिफिट है कि एक मकान के लिए आप 80C के अंतर्गत इनकम टैक्स से रिबेट भी प्राप्त कर सकते हैं इसकी ईएमआई पर और इस पर जो ब्याज होता उस पर भी, ठीक है। तो ये आपका हो जाता होम लोन। इसका रेट अधिकतर कम होता है, अधिकतर 8% के आसपास पाया जाता है। नाउ एजुकेशनल लोन। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चों में शिक्षा बहुत अधिक होती है, लेकिन आजकल हमने देखा कि कुछ शिक्षाएं बहुत महंगी होती हैं। एक गरीब परिवार उन शिक्षाओं को अपने बच्चों को नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा अच्छा कार्य करना चाहता है तो उसके लिए
एजुकेशन लोन की एजुकेशन लोन बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है और इसके माध्यम से वो अपनी शिक्षा पूरी कर सकता है और शिक्षा पूरी करते ही कुछ समय बाद आपको लोन चुकता करना होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका एजुकेशनल लोन होता है, बैंक एजुकेशनल लोन देने से पहले उसकी रिपेमेंट सुनिश्चित कर लेता है कि आप कोर्स कौन सा करने जा रहे हो, बीटेक करने जा रहे हो, एमटेक करने जा रहे हो, मेडिकल करने जा रहे हो और किस इंस्टीट्यूट से करने जा रहे हो। उस इंस्टीट्यूट की रैंकिंग भी वो देखता है कि उसका प्लेसमेंट रेट क्या है, ठीक है। और लोन उन्हीं छात्रों को दिया जाता है जो इसे वापस करने की क्षमता रखते हैं। मान लीजिए आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, वहां प्लेसमेंट का रेट अच्छा है, तो बैंक तुरंत लोन दे देगा। लेकिन कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में आप स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए लोन ले रहे हैं जहां पर वास्तव में एक संदेह है लौट नौकरी लगने की, तो वहां पर बैंक आनाकानी करता और आपको लोन देने से मना भी कर सकता। तो इस प्रकार आपका एजुकेशनल लोन होता है जो आपके एजुकेशन के लिए फीस, हॉस्टल चार्जेस आदि को पूरा करने के लिए देता है और बाद में जब आपकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो उसके एक निश्चित समय के बाद एक डेट होती है कि जब तब तक आपको लोन चुकाना होता है, ठीक है। एसबीआई में अभी 7.5 लाख से ऊपर स्टूडेंट के लोन के लिए 11.15%, ठीक है, और आपके पास अदर अलग अलग चार्जेस पर यह मिल सकता है। तीसरा, वाहन या कार लोन, जो व्हीकल या कार लोन के नाम से जाना जाता है। बैंक अक्सर कार खरीदने के लिए लोन के तौर पर तरह तरह की स्कीमें प्रस्तुत करते रहता है। ये लोन बाकी अन्य लोन की भांति अलग अलग होते हैं। ये फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट पर ऑफर किए जाते हैं। फिक्स्ड रेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक कार खरीदी, कार का दाम 10 लाख रुपए है और 10 लाख रुपए को जो ब्याज है वो मान के चलिए 10% है, ये फिक्स्ड है, तो हर दम आपको 10% ही ब्याज लगेगा। लेकिन फ्लोटिंग में क्या होता है, अगर समय के साथ ब्याज की दरें कम होती हैं तो आप पर लगने वाला ब्याज की जो दर होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार फ्लैट फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट पर आपको क्या होता है, ब्याज पर आपको लोन मिल जाता है जिससे आप वाहन या कार ले सकते हैं, ठीक है। बैंक में अपनी सैलरी स्लिप दिखा करके या पिछले 2 या 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको ITR कहते हैं, ITR के नाम से जाना जाता है, इसको जमा करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ भी जमा करना होगा और नई कार के लिए इंटरेस्ट रेट दूसरे चार्ज यूज कार से अलग होता है। अब आपका आता है कॉर्पोरेट लोन। कॉर्पोरेट लोन का मतलब होता है जब ये लोन अधिकतर बिजनेसमैन मतलब लेते हैं, ठीक है। ये नहीं कि बिजनेसमैन जैसे आपके पास जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं इनको लोन की आवश्यकता नहीं होती, ये आप कॉन्सेप्ट दिमाग में मत बैठाइएगा। दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन होता है वो लोन जरूर लेता है, ठीक है। हाँ, इनका लोन जो होता है वो बहुत बड़े अमाउंट का होता है, कभी कच्चे माल को खरीदने के लिए, मशीनों को खरीदने के लिए, अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मेंटेन करने के लिए भी ये लोन हो सकता है। तो जब बैंक बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे विजय माल्या, अंबानी भाई, टाटा, बिरला इत्यादि को लोन मुहैया कराता तो इस लोन को हम लोग कॉर्पोरेट लोन कहते हैं। अभी के नियम के अनुसार बैंक अपनी कोर कैपिटल का 55% तक किसी एक कंपनी को लोन दे सकता है, मगर हाल में हुए डिफॉल्टर यानी इन लोगों ने लोन, मान लीजिए कोई व्यक्ति पूंजीपति है, लोन लेता है लेकिन लोन वापस ना करता है, जैसे आपने देखा होगा विजय माल्या जी के केस में ऐसा ही आपको मिला, तो डिफॉल्टर के केस में उनको रखा जाता है। और इस प्रकार, ठीक है, केस बढ़ने के कारण 1 जनवरी 2019 तक ऐसा नियम लागू हो जाएगा कि बैंक कॉर्पोरेट ग्रुप को अपनी कोर कैपिटल का केवल 25% ही दे सकेगी। अर्थात बैंक क्या करते हैं, बैंक को बड़ा अच्छा रहता है कि कोई क्या होता, पहले 55% तक दे देते थे इन पूंजीपतियों को, जिससे क्या होता था, बैंक की वास्तव में सारी की सारी पूंजी एक ही जगह लग जाती थी। लेकिन जब से डिफॉल्टर हुए हैं और इन्होंने बैंकों को जब पैसा नहीं लौटाया, तब से बैंकों क्या होता, रिजर्व बैंक ने एक नया रूल्स बनाया कि आप अपना 25% ही कोर कैपिटल का दे सकते हैं इनको लोन, अन्य नहीं दे सकते। तो वास्तव में इस प्रकार के पूंजीपति अगर वो डिफॉल्टर हैं तो देश के लिए नुकसानदायक होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि आज ये क्या कहते हैं, भारत में लोन के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से लोन होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है, किसी कंपनी मालिक के लिए या किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं, तथा उन पर जो
बेसिक्स स्टडीज थी वो हम लोगों ने आपके साथ संपादित किया। सो मच, थैंक यू।